बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले आपको आज का आखिरी जुमा जो है रमज़ान का मुबारक हो। मेरा नाम है नईम इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरे कुकिंग चैनल। आज मैंने बनाई है ईद स्पेशल, बहुत ही ज़बरदस्त डिज़र्ट है और जो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में तैयार हो जाती है। और मैं कह रहा हूँ कि बस इसके जो फ्लेवर्स हैं और जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि वाकई ही में कोई स्पेशल डिज़र्ट है जो ईद के लिए बेटर है। और मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी बन जाती है, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है और देखने में जितनी खूबसूरत नज़र आ रही है बनाने में इतनी ही आसान है और इतनी सिंपल है और टेस्ट के हिसाब से तो मैं कह रहा हूँ कि गुड है। बस शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, तकरीबन 1 से 1.5 किलो के दरमियान है ये, यानी कि 1.25 किलो कर लें। ये फुल फैट मिल्क है, बॉयल हुआ हुआ है, मलाई वगैरह जो थी वो सब कुछ मैंने इसके अंदर ऐसे ही डाल दिया, ठीक है। मैं इसे बॉयल करूँगा चीनी डालकर, तकरीबन मैंने इसमें 4 से 5 चम्मच छोटे चम्मच जो हैं चीनी के वो डाल दिए हैं और इसको मैं अच्छी तरह से बॉयल कर लूँगा तकरीबन 5 से 10 मिनट। 10 मिनट बॉयल करने के बाद फिर मैं इसमें डालूँगा कस्टर्ड। जी हाँ, कस्टर्ड आप कोई भी फ्लेवर ले लें अपने अकॉर्डिंग जो आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे वनीला फ्लेवर लिया और वनीला फ्लेवर को मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालता जाऊँगा और मिक्स करता जाऊँगा। और फिर यहाँ पे देखिए मैंने इसमें डाल दिया मलाई, मलाई डाल के मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगा और फिर इसको ठंडा करने के लिए साइड पे रख दूँगा। यहाँ पे मैंने लिया फ्रूट कॉकटेल लिया मैंने थोड़ा सा और इसमें डाला मैंने सेब है और जो है इसमें है बनाना। जो फ्रूट है वो अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। फिर मैंने इसमें डाला मलाई, मलाई जो घर की है वही मैंने इसमें डाली है, ठीक है। और इसमें मैं डालूँगा सम ड्राई फ्रूट आलमंड वगैरह और फिर मैं इसमें डाल दूँगा एक ब्रेड का पीस जो है वो मैंने इसमें डाल दिया। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैं इसे बॉल्स बना लूँगा, ठीक है। आपने इस तरह इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है और ड्राई फ्रूट जो मैंने कहा है वो अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने इसमें आलमंड डाला है सिर्फ। और फिर आपने ब्रेड लेनी है, ब्रेड का सिर्फ आपने एक सिरा डिप करना है, दूसरा सिरा नहीं करना है, ज़्यादा ब्रेड को डिप नहीं करना है दूध में। दूध को मैंने चीनी डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था, फिर उसके अंदर मैंने ये देखें जो हमने बॉल्स बनाई थी वो इस ब्रेड के अंदर मैं अच्छी तरह से फिलिंग कर दूँगा और इसको अच्छे तरह से एक बॉल से बना लूँगा, ठीक है। आपने इस तरह ब्रेड की बॉल से बना ली है, बहुत सिंपल बन जाती हैं, बिल्कुल भी नहीं फटती। अगर फट भी जाए तो कोई टेस्ट वो ख़राब नहीं है, बिल्कुल ये यानी कि ना अच्छी बन जाएंगी। जितनी वो फट भी जाए तो ज़्यादा फ्लेवर इसके अंदर चले जाएंगे जो हमारे कस्टर्ड है उसके। और आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल हल्के हाथों से आप इसके हल्का सा डिप करें, एक साइड डिप करनी है, दूसरी साइड डिप नहीं करनी है। और इस तरह से वो बॉल जो हमने बनाई थी फ्रूट कॉकटेल की बॉल वो आपने इसके अंदर रखनी है इस तरह से और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बहुत मज़े की बनती है, बहुत ईजीली बनती है और इसके अंदर सारे फ्लेवर्स भी आ जाते हैं, ड्राई फ्रूट भी आ जाते हैं और जो है फ्रूट भी आ जाता है। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत मज़े की बनती है, ये लाजमी ईद पर बनाएँ। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह। यहाँ पे भी देखें मैंने सारी बॉल्स इस तरह से बना लूँगा, एक एक करके मैंने सारी बॉल्स इस तरह से बना ली थी। और फिर और इसके बाद जो हमारे पास कस्टर्ड है वो मैंने ठंडा कर लिया, तो ठंडा करने के बाद मैं इस बॉल्स पे वो डाल दूँगा सारा अच्छे तरीके से। आपने तकरीबन सारा ही जो कस्टर्ड बनाया था मैंने वो सारा मैं इस पर डाल दिया है। और जो डेकोरेशन है वो टोटल ऑप्शनल है, जितना मर्ज़ी की डेकोरेशन करें। मेरे पास ये सब ड्राई फ्रूट्स थे और आलमंड था जो मैंने वो मैंने डाल दिया है।